तो फ्रेंड्स यहाँ पे चिकन को भून दिया बढ़िया से, और इसमें फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं पानी को डालने के लिए, डालेंगे चिकन। देखिए हम जो पानी को वहाँ से डाल। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आज शाम का 4 बज रहा है और इस टाइम खाना बनाने जा रहे हैं। खाना में बनने वाला है दोस्तों मछली और रोटी, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर आटा निकाल लिए हैं, इधर तायु चढ़ा दिए हैं रोटी बनाने के लिए, और फ्रेंड्स इधर देखिए पानी वानी रेडी है, देख सकते हैं। जा रहे हैं हम आटा सानने के लिए, क्या आटा वाटा रेडी है तो जा रहे हैं आटा सानने के लिए, हम बने रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं चिकन बनाने के लिए, तो कढ़ाई में देखिए हम लोग डाल देते हैं तेल, डालिए देखिए कढ़ाई में तेल डाल रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, तो साथ दीजिए। चलिए कढ़ाई में हम लोग तेल डाल दिए फ्रेंड्स, और इसमें जा रहे हैं प्याज को भूनने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज चिकन को बनाना है, तो बढ़िया से प्याज को भूनने के बाद हम लोग चिकन को बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए तेल यहाँ पे गर्म हो गया फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं प्याज को भूनने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग प्याज को इसमें डाल दिए हैं, देख सकते हैं, तो प्याज को बढ़िया से हम लोग भून लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसमें चिकन को डालेंगे। तो देख सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग चिकन को भुना के यहाँ पे रेडी करके रख लिए हैं, और इसके फ्रेंड्स जा रहे हैं हम लोग चिकन पॉच बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज को हम लोग भून लिए और जा रहे हैं फ्रेंड्स इसमें चिकन को डालने के लिए, तो डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स चिकन इसमें कढ़ाई में डाल दी है, और जा रहे हैं फ्रेंड्स इसको भूनने के लिए बढ़िया से, देख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टमाटर और धनिया को रेडी कर लिए हैं, और इसको हम लोग जा रहे हैं फिर काटने के लिए, फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें पानी हम लोग डाल दिए धनिया में, और इसको धोधा के बढ़िया से हम लोग काटेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पे धनिया को काट रहे हैं हमें जी, और पूरा बढ़िया से चिकन में डालने के लिए यहाँ पे काट रही है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे धनिया को काट लिए, और फिर जा रहे हैं टमाटर को भी काटने के लिए, और देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर को भी काट रही है, देख सकते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पे धनिया और टमाटर को काट के हम लोग रेडी कर लिए थे, और इसको और यहाँ पे देखिए मसाला भी यहाँ पे रेडी हो गया है, और इधर पानी भी, मसाला का पानी भी, तो सारा सामान फ्रेंड्स हम लोग रेडी कर लिए चिकन बनाने के लिए, और जा रहे हैं चिकन को मसाला को डालने के लिए कढ़ाई पे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए फिर यहाँ पे चिकन को भुंजा गया है, और अंजू जी जा रहे हैं मसाला को डालने के लिए। तो देखिए मसाला को अंजू जी डाल रही है चिकन में, और डालने के बाद फ्रेंड्स इसको बढ़िया से मिक्स करेगी। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया से मिक्स कर रही है अंजू जी यहाँ पे मसाला को, देखिए फ्रेंड्स इसमें मसाला मिक्स कर रही है अंजू जी चिकन में, और जा रही है नमक को डालने के लिए, तो जैसे देख सकते हैं। नमक को डाल दिया, और इसको जा रहे फ्रेंड्स बढ़िया से मिक्स करेगी चिकन में। तो देखिए फिर यहाँ चिकन भुजा गया, और इसमें जा रहे हैं हम लोग टमाटर को डालने के लिए। तो देखिए हम लोग टमाटर को यहाँ पे डाल रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टमाटर को डाल दिए है, इसको बढ़िया से मिक्स करेगी चिकन में। देखिए टमाटर को बढ़िया से हम लोग मिक्स कर दिया है चिकन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चिकन तो भून दिया बढ़िया से, और उसमें फिर हम लोग जा रहे हैं पानी को डालने के लिए, तो डालेंगे बढ़िया। देखिए हम जो पानी को वहाँ पे डाल दिए है, और इसमें थोड़ा सा और पानी हम लोग को डालना है कि ताकि चिकन सीझ जाए और स्वादिष्ट रहे खाने में। तो थोड़ा सा और पानी हम लोग इसमें डाल देते हैं चिकन में, तो डाल दिए फिर, और इसको क्या करना है हमको ढकाना है, तो इसको थाली से हम लोग ढाप देंगे 19 से 3 मिनट के लिए, बस चिकन बन के रेडी हो जाएगा फिर।